दिग्विजय सिंह के कर्मों के कारण दिग्विजय सिंह पर FIR हुई है। दिग्विजय सिंह ने जो ट्वीट किया था, उसमें जो वीडियो डाला था, जो वीडियो वायरल हुआ, उसमें काटछाट हुई है, इसलिए दिग्विजय सिंह पर FIR हुई है। दिग्विजय सिंह जी, तुम एक बार नहीं 100 बार बुधनी की धरती पर हो आए, और शिवराज सिंह जी को एक नहीं बुधनी की धरती ने 5 से 7 लगातार चुनाव जिता रही है। बुधनी की धरती और शिवराज सिंह चौहान ये एक माँ की ही औलाद है, ये दोनों एक दूसरे के भाई हैं, इसलिए वह बुधनी से नहीं डरते। और ऐसे तुम्हारी बकवास हमने 50 सुनी है, अगर उनको सुनकर FIR करते तो आपकी पूरी जिंदगी जेल में ही कटेगी। दिग्विजय सिंह जी, आप अपने कर्मों पर, आप अपने पापों पर, और आप अपने जो है दूसरों के खिलाफ चलने वाला बनाने वाले षड्यंत्रों पर पुनर्विचार करो, सोचो। आपने ये षड्यंत्र केवल शिवराज सिंह चौहान जी के साथ ही नहीं किया, आपने तो षड्यंत्र अपनी कांग्रेस और कमलनाथ के साथ भी किया, तो कमलनाथ को उन्हें मुंह गिरा दिया। आपने षड्यंत्र तो राहुल गांधी के साथ किया, तो उसे राजनीति में होना मुंह गिरा दिया। अब आपका एक और षड्यंत्र है, सोनिया को हटाकर खुद अध्यक्ष बनना चाहते हो और मध्य प्रदेश में अपनी औलाद को स्थापित करना चाहते हो, लेकिन तुम्हारे पाप पीछा नहीं छोड़ेंगे। पाप करोगे तो जेल जाओगे, नहीं तो जिससे मिला थे ऐसे भैया हर चीज मिली हुई क्यों डाल लेते हो? आप तो बड़े नेता हो, राष्ट्रीय महासचिव हो, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हो, कांग्रेस कमेटी मध्य प्रदेश के अध्यक्ष रहे हो, कांग्रेस को डुबाने के महासलाहकार आप हो, और इस सब होने के बाद भी आप फंस जाते हो, तो ऐसी क्या जल्दी है? छपास रोग की ऐसी क्या जल्दी है लाला दिग्विजय सिंह जी? राजा हो तो राजा जैसा व्यवहार करो, ऐसा व्यवहार नहीं करते। दूसरा कुछ भी डाल दे तो आप डाल दोगे, और फिर बाद में गो, फिर भागते हो 100 की स्पीड में, फिर हटाए क्यों? माफी मांगो, क्या मेरे से गलती हो गई और भविष्य में संभल कर करूंगा। आप सोचते हो कि आतंकवादियों से हाथ मिलाने में दिग्विजय सिंह का कुछ नहीं हुआ, इसलिए शिवराज सिंह चौहान के खिलाफ भी कुछ भी रिट्वीट कोई भी करो, ट्वीट करो तो कुछ नहीं होगा, तो वो मुगालते छोड़ दो, मुगालते में मत रहो। राजा दिग्विजय सिंह जी, सब बदल गया है, दिन बदल गए, रात बदल गए, और आपका ताज भी बदल गया है।